हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो हमारे पास में आज तिलक है फ्रेंड, तो आप लोगों को दिखाते हैं। ये गैलरी बनी हुई है, बनी अभी नहीं है, इसकी डेकोरेशन अभी चल रही है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ आगे भी दिखाते हैं आप लोगों को, आप लोग देखते रहिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अभी गैलरी बनाई जा रही है। इधर अभी तो खंभे वगैरह खड़े पड़े हैं, जो अभी खड़े करने हैं और लगाना है। ये मेरा द्वारा है, यहाँ पे खाने वाले डेकोरेशन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये आंटी के द्वारे पे यहाँ पे खाना सब पक रहा है, आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। तो अभी बनाया ही जा रहा है, तो जब बन जाएगा तो ये हमारे यहाँ जो द्वारे पे डेकोरेशन थी वहाँ पे सेट किया जाएगा। तो चलते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भैया मेरे जो है बैलून बांध रहे हैं, और यहाँ पे सभी लोग बैलून फुला रहे हैं मशीन से, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे तैयारियां भी जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि तिलक वाले लोगों को आने का टाइम भी हो रहा है। कम से कम वो 6 बजे तक, तो 6 नहीं 7-8 बजे तक तो आ ही जाएंगे। तो फ्रेंड, बहुत सभी लोग इधर उधर अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इधर बैलून फुलाने का काम हो रहा है, तो फ्रेंड देख सकते हैं कितने बैलून फुला लिए हैं, और इनको जल्दी से डेकोरेट करेंगे सभी लोग। तो फ्रेंड, इधर हमारे भैया बैलून बांध रहे थे, उधर ज्यादा लोग हो गए तो ये इधर चले आए। ये इसमें फवारे में पानी कलर कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, कलर डाल के फवारे का पानी कलर कर दिया। तो फ्रेंड, एक बच्ची आई है नैना से मिलने के लिए, जो नैना के वीडियोस देखती है, और ये बहुत जिद कर रही थी, तो इनके पापा नैना से मिलाने लेकर आए हैं। इनके पापा बता रहे हैं कि जब भी ये बीमार होती है तो नैना से बात करने की जिद करती है, तो इनके पापा लेकर आए हैं। नैना ने इन सबको बिस्किट खिलाया। रेडी हो चुकी हूँ और नाश्ता बाहर चल रहा है, तो चलते हैं जल्दी से नाश्ता करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं हम क्या डेकोरेशन कैसी हुई है, तो आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जब डेकोरेशन हो रही थी तब मैंने आप लोगों को दिखाया था सब कुछ, तो अभी तो यहाँ पे डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि शाम हो चुकी है, तो यहाँ पे सब नाश्ता चालू हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग, फाउंटेन चालू हो गया है, जिसमें भैया मेरे कलर डाल रहे थे, आप लोगों को मैंने दिखाया था। तो फ्रेंड, मैं ब्लॉग ही बनाती रह गई, सभी लोग नाश्ता करने लगे, तो आप लोग देख सकते हैं मैं और मेरी सारी सिस्टर जो भी है सभी लोग मिलकर नाश्ता कर रहे हैं। जल्दी से नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को दिखाते हैं तिलक, क्योंकि तिलक वाले लोग भी आ चुके हैं। फ्रेंड, तिलक वालों के आते ही यहाँ पे धमाकेदार रवायत छोड़ी गई है, आप लोग देख सकते हैं। रवायत छोड़ने के बाद तो हुआ तिलक, तो आपको दिखाते हैं तिलक। तो फाइनली फ्रेंड, यहाँ पे तिलक चढ़ने लगा है, आप लोग देख सकते हैं। जो लड़के के ससुर जी हैं वो इन्हें तिलक चढ़ा रहे हैं। पंडित जी जो है वो सारा विधि विधान से टीकाकरण करवा रहे हैं। क्या आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही तिलक होता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो तिलक करने के बाद थाल पकड़ाई गई, जिसमें फल वगैरह और कुछ पैसे वगैरह रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे टीका जो है वो हो चुका है, तिलक चढ़ चुका है। तो फाइनली फ्रेंड, तिलक चढ़ चुका है। और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई थी कि किसका तिलक हो रहा है। तो फ्रेंड, ये हमारे पोता हैं, पोते का तिलक हो रहा है। रिश्ते में मैं इनकी दादी बुआ हूँ, तो ये जो पीछे चल रही है ये मेरी भाभी हैं, इनके लड़के का लड़का है यानी कि पोता, और हम हुए इनकी दादी रिश्ते में। तो फाइनली फ्रेंड, तिलक चढ़ चुका है, अब सभी लोग चलते हैं खाने के लिए जल्दी से। तो फ्रेंड, जहाँ पे नाश्ता हुआ था वहीं पे खाना हो रहा है, तो जल्दी से चलते हैं, हम भी खाना खा लेते हैं। तो इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।